हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आप सब काफी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और देखो मेरा बेड का हालत देखो फ्रेंड्स, पूरा फैला के रख दिया कपड़ा वगैरह। और फ्रेंड्स अभी जो है गांव जाने का तैयारी कर रही हूँ। अभी रात का 9:30 या 10 बज रहा होगा, मेरे को टाइम ठीक से याद नहीं है, 9:30 या 10 तो हो गई होगा। अभी मैं पैकिंग कर रही हूँ और कल जो है सुबह ही निकालना है बहुत जल्दी, तो इसलिए जो है रात को पैकिंग करके रख रही हूँ। नहीं तो सुबह जो है ना मैं पैकिंग नहीं कर पाऊंगी, जल्दी जल्दी में कुछ ना कुछ रह जाएंगे। और गांव इसलिए जा रही हूँ फ्रेंड्स, मेरा जो गोद भराई का रस्म होगा ना तो वो गांव में होने वाला है। ऐसे बहुत सारे लोगों के अंदर होता है, 7वां महीने में गोद भराई का रस्म होता है, तो हम लोग के अंदर भी है। तो अभी जो है वो रस्म के लिए गाँव जा रही हूँ हम लोग, तो वीडियो पे बने रहना, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है वीडियो। और देखो अभी सारा कुछ पैकिंग करना है ये बैग में, इसमें पैकिंग करूंगी और आप लोगों के साथ सोचा कि थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ क्योंकि रात का टाइम हो रहा है। तो चलो शुरू करते हैं पैकिंग। फ्रेंड्स अभी जो कपड़ा थोड़ा मैं पैकिंग कर लूंगी बैग में, ऐसे मैं फोल्ड करके पहले से रख दिया कपड़ा पूरा। तो फ्रेंड्स देखो पैकिंग जो है हम लोगों का हो चुका है। देखो तो फ्रेंड्स देखो सुबह सुबह मैं तैयार हो चुकी हूँ बहुत ही जल्दी जल्दी। और ड्रेस देखो सिंपल पहनी हूँ एकदम कॉटन का, क्योंकि हैवी वाला ड्रेस जो है मुझे सूट नहीं हो रहा है आजकल, और टाइट तो बिल्कुल पहन नहीं पा रही हूँ। तो देखो रेडी हो चुके हैं और अभी जो है जाने का तैयारी है, और बैग वगैरह सब कुछ जो है गाड़ी में डाल लिए है और अभी हम लोग जाएंगे। मेरा पार्स भर बचा है तो चलिए चलते हैं गांव का सफर। चलो आप लोगों का अभी जो है कुछ दिन का गांव का ही वीडियो देखने को मिलेगा फ्रेंड्स आप लोगों को, क्योंकि गांव कुछ दिन रहने वाली हूँ, जब तक गोद भराई का रस्म नहीं होगा तब तक रहेंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग जो है गांव जा रहे हैं। देखो गाड़ी में माँ उधर पीछे है और भी दो लोग जाने वाले हैं हम लोग के साथ। हम लोग का गांव का ही है, तो एक दीदी और उनका लड़का, तो उन लोगों को लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग के साथ ही जो है गांव जाएंगे। तो चलो अभी जाते जाते बातचीत करेंगे और गाँव पहुँच जाएंगे। काफी लंबा सफर है। काफी लंबा सफर है अभी, मुझे 4-5 घंटा लगेंगे हमको कंटिन्यूसली, कभी कार चलते रहेगा। और मुझे तो बैठने के लिए तकलीफ होता है ना गाड़ी में, तो मैं सोच रही थी शुरू में कि मैं नहीं जाऊंगी करके, ऐसे मैं बोली एक बार कि नहीं जाऊंगी। तो ये जो मतलब गोद भराई का जो रस्म होता है ना, वो हम लोग का गांव में इसीलिए जो है जाना ही पड़ रहा है, नहीं तो मैं नहीं जाती। अभी का टाइम में जो है इतना लंबा सफर बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो चलो अभी जो है वेट कर रहे हैं, जो लोग हम लोग के साथ जाएंगे ना गांव, उन लोगों के लिए वेट कर रहे हैं।
बुलाने गए हैं बाबू, तो अभी आने ही पड़े हैं। देखो माँ पीछे चुपचाप बैठे हैं। ऐसे उन लोगों को फोन करके रास्ते से बोल दिया कि मतलब रेडी हो जाओ करके, तो अभी तक रेडी नहीं हुए लग रहा है, क्योंकि लेट लग रहा है आने में। तो बस हम लोग जिन लोगों का वेट कर रहे थे वो दीदी लोग आ गए। अभी देखो बाबू लाने के लिए गए थे, और हम लोग का सामान जो है ना गाड़ी में बहुत पैक हो गया है, जगह नहीं है। तो देखो अभी जो है बैठने वाले हैं गाड़ी में। और कैसे अच्छे से मिला तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे जो है बहुत सारे भेड़िया बकरियाँ देखने को मिल गया, बहुत ही सुंदर सुंदर लग रहा था, तो थोड़ा सा शूट कर लिया। और रास्ते पे जाते जाते ना यहाँ पे हम लोग को सीताफल भी मिल गया था, और बहुत सारा सीताफल लेके बैठ गए थे ये लोग और बेच रहे थे। ऐसे हम लोग को पूछा तो पक्का वाला मेरे हाथ में दे दिया खाने के लिए, मैं अभी खाऊँगी पक्का वाला सीताफल। और यहाँ पर बाबू जो है बहुत सारा ख़रीद के ले लेंगे हम लोग को। वहाँ ना रायपुर में बहुत सारा महंगा है, मतलब किलो के हिसाब से 100 रुपया लेता है रायपुर में, और इधर रास्ते में मिल गया था तो यहाँ पे ना 4-5 किलो 100 रुपये में दे रहा था, बहुत सारा ज़्यादा दे रहा था, तो हम लोग बहुत सारा ख़रीद लिया। और देखो जाते जाते जो है ना नवरात्रि का जो मतलब प्रोग्राम होता है ना पूजा नवरात्रि माता का, तो वहाँ पर जो है मतलब यहाँ पर तैयारी चल रही है, जो है ना द्रुपकुंडल मंदिर बोलते हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर तैयारी चल रही है। और ये जो मंदिर है ना बहुत ज़्यादा पहाड़ी के ऊपर है, देखो जूम करके थोड़ा सा दिखा रही हूँ, बहुत ऊपर चढ़ना पड़ता है पैदल चल के, सीढ़ी है, बहुत सारा सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है ऊपर तक। तो मैं रास्ते से थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर लिया। तो हम लोग जो है गांव में पहुंच गए, और हम लोग के साथ जो दीदी लोग आए थे ना रायपुर से, उन लोग अभी उतर जाएंगे, उन लोग का घर आ गया, और अभी जो है अपना बैग वगैरह ले लेंगे गाड़ी से। तो फ्रेंड्स और थोड़ा सा दूर जो है हम लोग का घर है, और वहाँ पे हम लोग जाएंगे। तो चलो चलते हैं अपने गांव का घर में, गांव का घर। मज़ा आ गया। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग जो है गांव पहुंच गए, और रायपुर से गांव का सफ़र उतना बुरा नहीं था। मैं खामोखा डर रही थी रायपुर बैठ के कि जा पाऊंगी क्या नहीं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होंगे करके सोच रही थी, लेकिन नहीं फ्रेंड्स उतना ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुआ, आराम से हम लोग आ गए और दिक्कत नहीं हुआ था। तो हम लोग फाइनली घर पहुंच गए, अभी जाएंगे अंदर। देखो गांव का जो है ना सीन आप लोग को देखने को मिलेगा पूरा, ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा हरियाली, पेड़ पौधा, मतलब जंगल जंगल टाइप का दिखेगा, अजीब सा। मतलब गांव में ना हर घर में जो है ना पेड़ पौधा वगैरह सब कुछ लगाते हैं, जैसे आम का पेड़ और कटहल का, बहुत सारा कुछ जो देखने को मिलता है गांव का जो सीन है ना। आप लोगों का अभी से कुछ दिन का जो है वीडियो जो है ना हम लोग का गांव का ही मिलेगा, तो मैं अच्छा सा ब्लॉग बना कर आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी देखो बहुत दिन बाद जो है हम लोग मतलब घर आ गए, और गांव का जो घर है ना हम लोग का उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदगी हो गया था, मतलब साफ़ सफाई नहीं था। अभी जो है माँ पूरा साफ़ सफाई करके लिपाई कर रहा था, मिट्टी और गाय का जो गोबर रहता है ना उसी से लिपाई कर रहा है, मतलब बिना लिपाई के ना घर में हम लोग नहीं रह पाएंगे रात को, तो पूरा सफाई वगैरह चल रहा था। और फ्रेंड्स आज का ब्लॉग जो है ना मैं यही पे एंड करूँगी, तो आप लोगों को कैसा लगा गांव का सफ़र रायपुर से, तो प्लीज़ कमेंट में बताना, और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर अच्छा सा। तो तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।